भाई ये देखो क्या तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, पूरा ट्रक दो दो पलट गए। केक लिया बाबा के लिए, जन्मदिन मनाएंगे, श्याम बाबा का बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे बाहर। ये देखो बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है बिल्डिंग, क्या लाइटिंग है इसकी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, मॉर्निंग हो गई है और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ और ट्रिप पे निकल के तैयारी है पूरी पूरी, नहा के रेडी हो गया हूँ, पूजा वगैरह सब हो गई है, अब चाय पी के जल्दी ट्रिप पे निकलता हूँ। थक गया हूँ, ऊपर से भागता आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, फ्रेंड वेट कर रहा है मेरा और ट्रिप पे निकलना है, जल्दी से पहुँचना है तो चलता हूँ भाई। गुड़गांव का ट्रैफिक भी क्रॉस करना है, उससे पहले पहले ऑफिस टाइमिंग से पहले पहले गुड़गांव क्रॉस करना है, चलता हूँ भाई, बातचीत करते रास्ते में, निकलता हूँ फिलहाल। तो भाइयों निकल गया हूँ खाटू श्याम जी के लिए और रास्ते में हूँ और अभी फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं मेरे भाई अमित भाई, ड्राइव कर रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, पीछे बंटा भाई भी बैठा हुआ है अपना, तो हम तीन बंदे हैं, हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। और गुड़गांव का मेन टारगेट था मेरा कि गुड़गांव टाइम से पार हो जाए, क्योंकि गुड़गांव का ट्रैफिक हो जाता बहुत ज़्यादा, मानेसर पहुँचने में फिर लग जाता है 1 से 1.5 घंटा, तो टाइम से फिर भी हमने गुड़गांव को पार कर लिया है। तो गुड़गांव पार करने के बाद अब मानेसर पहुँचने वाले हैं, हम मानेसर पहुँच ही गए हैं मतलब, अब यहाँ से देखता हूँ कितना टाइम लगता है, आगे कहीं ट्रैफिक ना मिले, बस टाइम से पहुँच जाए यार, धूप धूप आ गई है तो जैकेट वैकेट मैंने पहनी नहीं, रख रखी है जैकेट, नीट पड़ी रास्ते वहाँ पे, अगर गर्मी लगी तो पहन लेंगे नहीं तो रखी है गाड़ी में, और रात को हो जाती है ठंड, लेकिन बाइक पे ज़्यादा लगती है, गाड़ी में तो अपने पास ऑप्शन होता है यार, एसी वैसे चला लो, हीटर चला लो और गर्मी में आराम से आओ। तो चलता हूँ फिलहाल आगे, अभी थोड़ा आगे पहुँच के मैं ड्राइव करूँगा, फिर दोनों मिल के ड्राइव कर देंगे और आपको मौसम भी दिखा दूँ कैसा मौसम है, क्या दिख रहा है। मानेसर का टोल आने वाला है और आगे फॉग है, थोड़ी सी फॉग है, पोल्यूशन है, कुछ भी कह सकते हो यार, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठंड में फॉग है पोल्यूशन है पता ही नहीं चल पाता। ये देखो तो थोड़ी सी फॉग वगैरह लग रही है, अंधेरा सा हो रहा है थोड़ा सा, सूरज भी प्रॉपर नहीं निकल पाया है, सूरज का भी देख लो। तो मेरे को लगता है अभी पोल्यूशन ये है, पोल्यूशन अभी तक चल रहा है क्योंकि कार्स वगैरह पे बैन कर रखा है, उसकी वजह से अभी पोल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा है। तो चलो आगे चलता हूँ, थोड़ा रास्ता क्रॉस करते हैं फिर बात करते हैं। भाई अभी ज़रा रुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट लेके आया था, मुझे चाय पी के आया था घर से मैं, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, खा पी के फिर निकलेंगे आगे और चलेंगे पहुँचेंगे। निकल गया हूँ ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ हाईवे पे और अब ड्राइव मैं कर रहा हूँ, भाई ने मुझे दे दी थी गाड़ी, तो अब पहुँचते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम मैंने देखा नहीं, अभी टाइम देखता हूँ, 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, अब देखते हैं कितनी देर में खाटू जी पहुँचते हैं। और आज भी सुनने में तो आ रहा रश है, अब जैसा भी होगा कोई नहीं, दर्शन करने हैं, बड़े दर्शन होंगे तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वहीं खाटू जी जाके, चलते हैं आगे फिर बात करते हैं। भाई ये देखो क्या तगड़ा एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे, पूरा ट्रक दो दो पलट गए हैं, एक ट्रक उधर गया एक ये पलट गया, क्या चलाते हैं पता नहीं क्या चलाते हैं, एक तो ये लोडिंग वाले ट्रक होते हैं ना ये बड़े रिस्की होते हैं और बहुत तगड़ा एक्सीडेंट है ये, तो ट्रक दूसरी साइड ही चला गया, वो मेरे को पता उसकी वजह से गया है, वो जो लोडिंग ट्रक था उसने इधर उधर काट दी, उसने ट्रक वाले उधर काट दी पूरी, तो इस वजह से इनका नुकसान हो गया। चलो भाई आगे पहुंचता हूं, फ़ोन आ रहा है बात करता हूं, फिर बात करता हूं। भाई रिंगस पहुंच गया हूं मैं और रश तो थोड़ा दिख रहा है, लेकिन लोग ना निकल गए और निकल भी गए हैं, अब वहाँ जाके पता चलेगा कितना रश है जब हम एंट्री करेंगे रिंगस से खाटू के लिए, क्योंकि रिंगस में तो इतना नहीं पता चल पाया, जब खाटू जी में एंट्री हो जाएगी तो पता चलेगा कि बर्थडे बना के कितने लोग चले गए हैं और कितने लोग हैं अभी जो बर्थडे बना रहे हैं, जैसे हम आज आए हैं बर्थडे बनाने आए हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बाबा का। और टाइम तो ठीक लगा, गर्मी लग रही है, अच्छा वो मैं कुछ गर्म नहीं पहन के आया, नहीं तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है आज मैंने सोचा चलो नॉर्मली पहन लेता, जैकेट रख के लाया हूँ मैं, बट गर्मी बहुत लग रही है, एसी चलाना पड़ गया, इतनी गर्मी लग रही है, धूप ज़्यादा आई भी है। और अब यहाँ से रिंगस से कितना टाइम लगेगा देखते हैं, मुश्किल से आधा घंटा है, 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट से आधा घंटे का टाइम लगता है। रस देख रहे हो, रस तो है भाई साहब, बंदे अभी भी आ रहे हैं शायद या जा रहे हैं, जाने वालों का है या आने वालों का ये नहीं पता चल पा रहा, जाने वालों का है, वापसी जा रहे हैं ये, खाटू जी से वापस आए हैं ये, क्योंकि अब यहाँ से ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, तो लोग रेलवे स्टेशन के लिए आए हैं खाटू जी से रिंगस और अब जा रहे हैं वापस। चलो बढ़िया, इन्होंने अच्छे से दर्शन कर लिया, अब हमारा नंबर, हम भी दर्शन करेंगे, चलता हूँ थोड़ा आगे, यहाँ जाम लग गया, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई कार पार्क कर दिया पार्किंग में और अब दर्शन के लिए चल रहा हूँ,
आगे चलूँगा, प्रसाद वगैरह लेना है अभी तो, और कार से उतरे हैं तो उसमें टाइम हो गया है, 2 बजे हैं, 2 बजे पहुँचा हूँ भाई साहब, तो 2 बजे आज पहुँच गया हूँ और प्रसाद वगैरह लेके। रश कम लग रहा है, बाकी लाइन देख के पता चला कि बहुत से लोग वापसी आ रहे हैं, पार्किंग सारी खाली हो गई, थोड़ा बहुत रश तो इतना तो रहता ही है। और मंदिर में देखना कितना रश मिलेगा, बढ़िया मिल जाए रश, दिखाता हूँ मार्केट में कितना रश है आपको। पहुँच गया हूँ और ये देखो मंदिर में रश तो ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा रश नहीं है, खाली है, और मार्केट में भी इतना रश नहीं है। अब चल रहा हूँ लाइन के, लाइन आगे से एंट्री है, वहाँ से लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं और आपको दर्शन कराता है, बढ़िया दर्शन होंगे आज। भाइयों मंदिर में पहुँच गया, एंट्री कर लिया और केक लिया बाबा के लिए, जन्मदिन मनाएंगे, श्याम बाबा का बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे बाहर जाके, पहले यहाँ पे बाबा को दर्शन कराएंगे केक के, तो यहाँ से केक काट के बर्थडे बना के अद्वादशी है, बर्थडे बना के फिर निकलेंगे यहाँ से और तोरण द्वार पहुँचेंगे, वहाँ पे बर्थडे केक काटेंगे बाबा का, उसके बाद घर के लिए निकलूँगा। तो अभी तक तो फिलहाल ठीक है, यहाँ पे लाइन थोड़ा नॉर्मल रश है, इतना रश नहीं है जो होता है, कल तो बहुत ज़्यादा रश था, तो आज दर्शन होएंगे बढ़िया से, पहुँचता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ। भाई दर्शन हो गए, मंदिर बहुत बढ़िया सजा हुआ है, पीछे देखो अच्छे डेकोरेशन हो गया, मज़ा आ गया दर्शन करके, बाबा केक का ही भोग लगा दिया, चलते हैं बाहर, चलते हैं बात करते हैं। डेकोरेशन देख लो कितनी बढ़िया डेकोरेशन हुई हुई है, कितना बढ़िया मंदिर सजा हुआ है, मंदिर की डेकोरेशन देखने लायक है, पूरा मंदिर डेकोरेट हुआ हुआ है, एंड तक ऊपर देखो कितना बढ़िया डेकोरेट हुआ हुआ है। भाई खाटू शाम जैसे निकल गया हूँ और शाम हो गई है, मतलब 5 बज गए हैं, 5 बजे का टाइम हो गया, 5 बजे निकला हूँ और अभी तोरण द्वार होते हुए जाऊँगा, क्योंकि वापस आते हुए ना तोरण द्वार का रास्ता बंद करेगा, आनंद देते वहाँ से यार, रुकना नहीं देते, तो अब सोचे कि वापसी में वहाँ होते हुए जाएँ और बाबा का बर्थडे का केक वहाँ पे भी काट लेंगे, एक बार भोग लगाया अंदर चढ़ाया उसका, केक यहाँ पे भी काट लेंगे, तो अभी पहुँचते हैं वहाँ पे, केक वेक काटता हूँ और दिखाता हूँ आपको तोरण द्वार भी, और फिर चलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। आ गए हैं, पहुँच गया तोरण द्वार, ये देखो सामने तोरण द्वार है, कितना पब्लिक है, कितनी पब्लिक है, इधर रश है पूरा, तो इसलिए यहाँ पे रुकने नहीं देते हैं, तो देखता हूँ कहीं गाड़ी लगा के यहाँ पे तोरण द्वार पे केक काटते हैं श्याम बाबा जी का, और फिर यहाँ से चलते हैं। तोरण द्वार पे आ गए हैं बाबा का केक काटने के लिए, ये है बाबा का केक जो कि हम भोग लगवा के लाए हैं, बहुत बढ़िया केक लग रहा है श्याम बाबा का केक। चलो आज यहाँ पे तोरण द्वार पे केक कटिंग करते हैं और फिर आपसे बातचीत करते हैं। भाइयों वहाँ से निकल चुके हैं और आगे आ गया हूँ मेन हाईवे पे हूँ इस टाइम, देखो ट्रक पे कितने बढ़िया आइटम जा रही है, बहुत बढ़िया आइटम जा रही है, बैलेंस बनाना पड़ता है भाई, बहुत मतलब बांध रखा है, इतनी लंबी आइटम है, कोई मशीनरी है ये, जहाँ तक मशीनरी लग रही है, अब साइड नहीं देते, एक तो इधर इसने फंसा दी, उधर वो ट्रक, उधर भी ट्रक, पता नहीं चल पाता कौन सा पहले निकल पाएगा, बेचारे बीच वाले को रोकना ही पड़ेगा, कह रहा तुम ही जाओ पहले। अभी मेन हाईवे अब चालू होगा, मतलब जयपुर हाईवे अब चालू होगा, पहले बीकानेर हाईवे पे थे हम, तो अब जयपुर हाईवे पे टर्न ले लिया है, अब ये आ गए जयपुर हाईवे, थोड़ा सा थोड़ी सी और गाड़ी कट जाए मेरी तो निकल जाएगी। चलो जी निकल गई गाड़ी भी, अब मेन हाईवे पे हम भाई साहब पहुंचना है घर, और बीच में अब खाना भी खाना है अभी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगनी चालू हो गई है, टाइम हो गया है भूख का भी, तो खाना पीना खाएंगे और पहुंचेंगे फिर घर। उसके बाद अब यहाँ पे पड़ेगा हाईवे किंग आएगा, हाईवे किंग पे खाना खाता हूँ मैं हमेशा, जयपुर हाईवे पे वही पसंद आता है, एक हाईवे किंग और एक ओल्ड रॉक, ये दो पसंद है, तो यहाँ पे दोनों में से देखते हैं किस पे खाएंगे। और ये राजश्री रिजॉर्ट नया बन गया यहाँ पर, और दर्शन बहुत बढ़िया होगा, आप सभी ने देख ही लिया, मंदिर में रश बिल्कुल कम था, कल रश पूरा था लेकिन आज बिल्कुल रश कम था। तो चलो पहुँचता हूँ थोड़ा आगे, मैं बातचीत करता हूँ आपसे। भाइयों अभी रुका हूँ ज़रा डिनर के लिए, 9 बज गए हैं, 9:05-9:10 का आसपास का टाइम हो रहा है, डिनर के लिए रुका हूँ और डिनर वगैरह करके अब आगे निकलेंगे, हाईवे किंग पे रुकते हैं हमेशा, हाईवे किंग पे रुका हूँ, पावटा के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पे डिनर का ऑर्डर करना है। अभी अंदर जाके हवा चल रही है बहुत ठंडी, ठंड लग रही है, बाहर निकल के गाड़ी में इतना पता नहीं लग रहा था, बाहर निकल के ठंड लग रही है, तो अब यहाँ पे रुकते हैं और डिनर वगैरह करता हूँ, देखते हैं डिनर में क्या खाता हूँ, खा पी के निकलते हैं और जल्दी से घर पहुँचते हैं। भाई और डिनर करके निकल गए हैं और अब वापस बैठूंगा गाड़ी में और चलूंगा, और डिनर भी अच्छे से कर लिया, बढ़िया कर लिया, मज़ा आ गया डिनर में, चाय बहुत अच्छी लगती है, वो हैवी किंग की चाय पीने में मज़ा आ जाता है, चाय का टेस्ट ऐसा है कि मतलब कहीं और वाला टेस्ट मिल नहीं पाता मुझे, बड़ा मज़ा आता है, चाय बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है चाय, तो
तो अब चलता हूँ और कार में बैठते हैं, पहुँचता हूँ घर और रास्ते में आपसे बातचीत करता हूँ। फिर गाड़ी कहाँ खड़ी है अपनी, गाड़ी को ज़रा देखते हैं। तो यहाँ खड़े हैं भाई साहब अपने, तो यहाँ गाड़ी खड़ी है, चलते हैं, गाड़ी निकालता हूँ, पहुँचते हैं। फिर खोलता हूँ गेट, गेट खोलते हैं, बैठते हैं, चलते गाड़ी में। भाइयों एंट्री हो चुकी है मेरी गुड़गांव में, गुड़गांव तो आ गया हूँ और घर का भी डिस्टेंस थोड़ा सा है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये गुड़गांव की बिल्डिंग्स है, इतनी बढ़िया लग रही है, ये रैपिड मेट्रो अपनी। और घर का रास्ता अभी थोड़ी देर का है, मतलब लगा लो 20-20 मिनट का रास्ता है, 1 बज गया मुझे, लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा टाइम लग गया, लेट तो हो ही गए। तो यहाँ पहुँचने में 1 बज गया है और कॉल भी आ गई है, मेरे फ़ोन पे नहीं है, दूसरे फ़ोन पे ही है दोस्त के। मेरे को बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है, मस्त लग रही है बिल्डिंग, क्या लाइटिंग है इसकी, पसंद आ जाती है बिल्डिंग मुझे, हमेशा से पसंद आई है। 3-4 बिल्डिंग है इकट्ठी, बहुत बढ़िया लगती है। DLF ने मतलब चीज़ें बनाई है, बिल्डिंग प्रॉपर बनाई है, बढ़िया दिख रही है ना, क्या बढ़िया लग रही है बिल्डिंग की लाइटिंग, बहुत प्यारी है, मतलब लुक अलग ही आ रही है। तो ये गुड़गांव का भी टैक्स, टोल टैक्स पार हो गया, मतलब मान लो गुड़गांव भी पार कर लिया एक तरीके से मैंने। तो बस घर पहुंच के नींद आ रही है, रेस्ट करना है, 1 बज गया है। सुबह वैसे जल्दी उठा था मैं, अब कल देखता हूँ किस टाइम नींद खुलेगी। ये ट्रक वाले भी ना कहीं भी मोड़ देते हैं, इनको टैक्स देना होता है, पहले यहाँ चल रहा है टैक्स देना, तो वहीं चलता साइड में, राइट में को चल रहा है। ये रोड है देखो कितना चौड़ा, पहले तो टोल टैक्स था ना इस वजह से, और बहुत चौड़ा रोड कर रखा है ये, मतलब रोड क्रॉस करने करने बंदे को 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे अगर दोनों रोड क्रॉस करने हैं तो, इतना लंबा रोड है। तो चलो भाइयों चलता हूँ आगे, पहुँचता हूँ घर, फिर बात करते हैं आपसे। भाइयों अब गुड़गांव भी पार कर लिया है और अब बस अब थोड़ा सा ही रास्ता रह गया, घर पहुँचना है। अब तो बस ये है, घर पहुँचो, जल्दी से बेड मिल जाए, बेड मिल के रेस्ट ही करना है, अब बहुत थक गए हैं। और रोड देखो बिल्कुल खाली है, बढ़िया रोड हुआ हुआ एकदम मज़ेदार, ऐसे खाली रोड मिलता ना मज़ा आता है ड्राइविंग में भी। कंजस्टेड रोड में बार बार ब्रेक मारो, क्लच दबाओ, बार बार इधर उधर जाओ, तो देखो कितना बढ़िया लगता है। तो भाई अभी घर पहुंच के देखता हूँ एडिटिंग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो मैं तो सो जाऊँगा, उसकी नींद आ रही है मुझे और 1:30 बज चुका है, 1:15 हो गया यहाँ पर। तो अभी 10-15 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में, तो देखता हूँ मन किया तो एडिट करूँगा, नहीं तो मैं तो सो जाऊँगा। मॉर्निंग एडिटिंग वगैरह करूँगी, मॉर्निंग में अपलोड हो सकता है लेट हो ब्लॉग, तो देखते हैं भाई जैसे भी होगा। चलता हूँ इस ब्लॉग को करते ही एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपने ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।